hello student let's start our lesson number 5 social and religious reform along with the spread of english education there was spread of new thoughts new ideas new philosophy indians were also introduced to western thoughts and culture due to it there were changes in social religious economic एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी इंग्लिश एजुकेशन हमारे इंडिया में स्प्रेड तो हुआ ही था उनके साथ यहाँ पे न्यू थाट्स न्यू आइडियाज़ इवन फिलासॉफी का भी स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ और इसी से वेस्टर्न थाट्स एंड कल्चर से हमारे इंडियंस उनसे इंट्रोड्यूस्ड हुए उसका एक और इफ़ेक्ट हुआ वो था सोशल इन सामाजिक रिलीजियस मीन धार्मिक एंड इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक एंड कल्चरल कल्चरस मीन्स हमारी जो संस्कृति थी उस पर भी हमें चेंजेस दिखाई देने लगे द मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस बीकेम अवेयर दैट द बैकवर्डनेस ऑफ इंडिया वॉज ड्यू टू सुपरस्टिशन कास्टिजम ओल्ड कस्टम्स क्लास सिस्टम एंड लैक ऑफ क्रिटिकल आउटलुक जो मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस थे उनको रियलाइज़ हुआ उनको समझा कि हमारे इंडिया में जो कई सारी अनिष्ट प्रथा परंपरा है उसका रीज़न क्या है उनको समझा कि उसके पीछे जो सुपरस्टिशन से अंधश्रद्धा है पुराने रीति रिवाज है इवन क्लास सिस्टम है यही हमें क्या करना होगा हटाना होगा

इक्वालिटी एंड फ्रेटरनिटी और इसीलिए हमें हमारी न्यू सोसाइटी को फॉर्म करना होगा जो इस प्रिंसिपल पर आधारित हो जिसमें इंसानियत मीन्स मानवता यूमैनिटी हो इक्वालिटी हो समता हो फ्रैटर्निटी मीन्स बंधुता हो और तभी जाकर हमारी एक सोसाइटी एक आइडियल सोसाइटी कहलाएगी So, the educated thinkers started social awareness through writing to solve the various problems in the society. द इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग इन द कंटेम्प्ररी सोसाइटी इज़ कॉल्ड इंडियन रेनाइजेंस और इसी वजह से हमारे जो एजुकेटेड थिंकर्स थे उन्होंने सोशल अवेयरनेस यहाँ पे क्रिएट करने के लिए लोगों को जगाने के लिए हाथ में पेन लिया और अपनी राइटिंग करना स्टार्ट किया ताकि लोग इसे पढ़े समझे और हमारी सोसाइटी एक न्यू वेज थ्रू आगे आए ऐसा उनका कहना था तो ये जो चेंजेस होना स्टार्ट हुआ उसी को इंडियन रेनाइजेंस कहने लगे मतलब एक इंडियन सोसाइटी का पुनर्जन रेनाइजेंस का मीनिंग है रिबर्थ और रिवाइवल लेट स्टार्ट अवर न्यू पॉइंट एरा ऑफ रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म ब्राह्मो समाज इन 1828 राजा राम मोहन रॉय एस्टैब्लिश द ब्राह्मो समाज ब्राह्मो समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय इन्होंने बंगाल में की आर स्टडीड मेनी लैंग्वेजेस एंड रिलीजियंस उन्होंने कई सारी लैंग्वेजेस इवन उन्होंने कई सारे रिलीजियस के बारे में भी पढ़ा हुआ था मतलब कई सारे धर्म है उनके बारे में उन्होंने डीपली स्टडी की थी थ्रू इन हीज आइडियोलॉजी ऑफ अद्वैत फिलोसॉफी वॉज डेवलप्ड उनकी जो अद्वैतवादी विचारधारा थी वो भी वहाँ पर विकसित हुई थी मोनोथेजम कास्ट एंड क्लास इक्वलिटी प्रोटेस्ट अगेंस्ट रिचुअल एंड फॉलोइंग द वे ऑफ प्रेयर्स वेर द प्रिंसिपल ऑफ ब्राह्म समाज जब ब्राह्मण समाज को यहाँ पर एस्टैब्लिश किया राजा राम मोहन राय इन्होंने तो उनका इनके जो मेन प्रिंसिपल उन्होंने बनाए उसके लिए तो उनमें मोनोथिज्म मतलब एक ईश्वर बात एक ही ईश्वर है कास्ट जात इवन परम्परा जो है उसमें हमें क्या करनी चाहिए इक्वालिटी लानी चाहिए सब इक्वल है प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रिचुअल्स एंड द फॉलोइंग द वे ऑफ प्रेयर्स यही हमारे मीन्स इम्पॉर्टेंट जो कहीं सारे ऊंच नीच के भाव को न रखना कर्मकांड के प्रति विरोध करना इवन प्रार्थना के मार्ग का अनुसरण करना यही हमारे इस ब्राह्म समाज के तत्व है ये उन्होंने वहां पे कहा और इस तरह से उन्होंने इस तत्व को फाइनलाइज किया इवन राजा राम मोहन राय इन्होंने अच्छे वर्क भी किए ही अपोज सती प्रथा मीन सती प्रैक्टिस चाइल्ड मैरिज परदा सिस्टम ही प्रमोटेड विडो रीमैरेजेस एंड फीमेल एजुकेशन ही फाउंडेड हिंदू कॉलेज इन कोलकाता ही क्रिएटेड पब्लिक अवेयरनेस थ्रू द न्यूज पेपर संवाद कौमुदी देखो यहाँ पे राजा राम मोहन राय इन्होंने सती प्रथा बाल विवाह पर्दा पद्धति इसका विरोध किया इसके अलावा विधवा विवाह मीन्स इसके साथ ही साथ फीमेल एजुकेशन नारी शिक्षा का उन्होंने समर्थन किया कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना भी की ताकि लोग पढ़े और अपने विचारों के जोर पर अपनी नई सोसाइटी को फॉर्म करें इसके लिए इसके अलावा लोगों में जन जागरण होना चाहिए इसके लिए उन्होंने न्यूज़पेपर को भी इस्टेब्लिश किया और न्यूज़पेपर उन्होंने स्टार्ट किया जिसका नाम था सवाद कौमुदी ये बंगाली लैंग्वेज में था मतलब वहां पे रहने वाले लोग इसे अच्छे से पढ़े और अपने विचारों के साथ आगे आए नेक्स्ट वन था प्रार्थना समाज दादोबा पांडुरंग तरखड़कर एस्टैब्लिश परमहंस सभा इन मुंबई इन 1848 दादोबा पांडुरंग तरखड़कर इन्होंने परमहंस सभा का एस्टैब्लिशमेंट किया मुंबई में और वो भी 1848 में लेटर परमहंस सभा वाज डिजोर्ड एंड सम ऑफ इट्स मेंबर फाउंडेड द प्रार्थना समाज मींस उसके बाद यहाँ पे जो कई सारे लोग थे इसमें इन्वॉल्व थे उन्हें ये जो परमहंस सभा थी वो परमहंस सभा के जगह पे उन्होंने कई सारे सदस्य यहाँ पे उन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की यहाँ पे इस प्रार्थना समाज में मतलब देखा तो उसको न्यू मेंबर्स जो कई सारे हम देखते हैं कि कई सारे चेंजेस होते हैं या रीनेम किया जाता है उस तरह से परमहंस सभा की जगह पे प्रार्थना समाज को फाउंडेड किया गया दादोबास ब्रदर डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ प्रार्थना समाज प्रार्थना समाज के फर्स्ट प्रेसिडेंट यहाँ पे आत्माराम पांडुरंग तरखड़कर बने द प्रेस्टिज ऑफ द इंस्टीट्यूशन इंक्रीज ड्यू टू द एनरोलमेंट ऑफ यंग ग्रेजुएट्स फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी अभी यहाँ पे देखो कि इस प्रार्थना समाज में जो लोग इन्वॉल्व थे या जो मेम्बर्स इन्वॉल्व थे ये सारे के सारे मुंबई यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे यंग ग्रेजुएट उसमें थे जस्टिस रानडे डॉक्टर आर जी भंडारकर कैरिड फॉरवर्ड द वर्क ऑफ प्रार्थना समाज प्रार्थना समाज का जो वर्क था ये वर्क जस्टिस रानडे और डॉक्टर आर जी भंडारकर इन्होंने आगे लिया द अपोजिशन टू आइडोल वर्कशिप वोनोथिजम अपोजिशन टू रिचुअल्स वेर द प्रिंसिपल ऑफ प्रार्थना समाज जैसे कि ब्राह्मो समाज के कुछ प्रिंसिपल बनाए गए थे उसी तरह से यहाँ पर भी बनाए गए मतलब मोनोथीजम एकेश्वरवाद जिसे हम कहते हैं या जो अनिष्ट प्रथा परंपरा है उसको क्या करना विरोध करना ऐसे कई सारी चीज़ें यहाँ पे बनाई गई दे स्ट्रेस्ड ऑन द डिवोशन एंड द प्रेयर्स फॉर रिफॉर्मिंग द सोसाइटी प्रार्थना समाज स्टार्टेड ऑर्फनेज विमेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस नाइट स्कूल फॉर वर्कर्स एंड अ सोसाइटी फॉर दलित यहाँ पे कई सारे अच्छे वर्क किए गए जैसे कि एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना नाइट स्कूल स्टार्ट करना जो अनाथ है उनके लिए ऑर्फनेजेस बनाना और इसी के साथ सोसाइटी के जो दलित पीपल है उनके लिए भी यहाँ पे नाइट स्कूल को अरेंज करना महर्षि विठल राम जी शिंदे मेंबर ऑफ प्रार्थना समाज एस्टैब्लिश डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन विठ्ठल रामजी शिंदे इन्होंने यहाँ पे डिप्रेस क्लासेस मिशन को शुरुआत की थ्रू द मिशन एंड अटेम्प्ट वॉज मेड टू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम्स इसके ज़रिए यहाँ पे जो सोशल प्रॉब्लम्स है समाज में कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं उसे सॉल्व करना इस मिशन थ्रू यहाँ पे स्टार्ट हुआ नेक्स्ट वन जो है वो है सत्य शोधक समाज महात्मा ज्योतिराव फुले स्टार्टेड द सत्यशोधक समाज इन 1873 सत्यशोधक समाज की जो फाउंडेशन की ये महात्मा ज्योतिराव फुले इन्होंने की सत्यशोधक समाज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी ऑन बेसिस ऑफ इक्वालिटी देखो यहाँ पे हर एक सोसाइटी का जो मेन एम यहाँ पे था वो या इम्पॉर्टेंट जो थिंग बताई गई कि इक्वालिटी सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए दे प्रोटेस्ट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी आपको तो पता है कि अनटचेबिलिटी का मीनिंग क्या है उस वक्त क्लास सिस्टम थी मतलब हायर क्लास का पर्सन यहाँ पे लो क्लास के पर्सन को अगर टच भी करता है तो वो गलत बात होती है और यही यहाँ पे सत्यशोधक समाज में उसे विरोध किया गया कि गलत बात है हम सब ही तो है द एडवोकेटेड एजुकेशन अमोंग द डिप्रेस क्लासेस एंड वीमेन महात्मा फुले रिफॉर्म द सोसायटी थ्रू द मिडियम ऑफ बुक्स लाईक ब्राह्मणांचे कसा कसब गुलामगिरी शेतकऱ्यांचा असूड अँड सार्वजनिक सत्य धर्म यहाँ पे उन्होंने डिप्रेस क्लासेस में मीन्स इम्पोर्टेंट जैसे कि महर्षि बिठ्ठल रामजी शिंदे इन्होंने डिप्रेस क्लासेस मिशन की शुरुआत की उसी तरह से वीमेन एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देते हुए यहाँ पे उन्होंने लोगों को अवेकनिंग करना मतलब जाग जगाना इसके लिए उन्होंने कई सारी बुक्स लिखी जिसमें ब्राह्मणांसे कसब गुलामगिरी शतक सा सार्वजनिक सत्य धर्म ये कई सारी बुक्स उन्होंने लिखना स्टार्ट किया ही सेवरली क्रिटिसाइज द ट्रेडिशन एंड द कस्टम्स दैट मेड डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन एंड वुमन और रैदर ह्यूमन बींग हिमसेल यहाँ पे उन्होंने देखा कि सोसाइटी में आज भी मतलब पुरुष और स्त्री इन दोनों में यहाँ पे क्या किया जाता है जैसे कि हम बोलते हैं कि इक्वालिटी के थ्रू इन पर नहीं दिया जाता मतलब उन पर ध्यान नहीं दिया जाता कि अरे ये लड़की है तो उसको पढ़ने का अधिकार नहीं है ऐसे कई सारी इनइक्वैलिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है और इसके लिए इस रीति रिवाजों की कड़ी जो है हमें तोड़नी चाहिए और इसीलिए उन्होंने कई सारे अच्छे वर्क किए उसके बाद नेक्स्ट वन जो है वो है आर्य समाज आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती इन्होंने आर्य समाज को एस्टैब्लिश किया ही रोट द बुक सत्यार्थ प्रकाश एज अ कॉमेंट्री ऑन द वेदाज यहाँ पे 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और वेदों पर भाष्य करने वाला सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ भी उन्होंने लिखा एंशियन वैदिक रिलीजियन इज द ट्रू रिलीजियन विच हैड नो प्लेस फॉर द कास्टिजम एंड देयर एग्जिस्टेड जेंडर इक्वेलिटी यहाँ पे उन्होंने इसके जरिए क्या बताया कि प्राचीन वैदिक धर्म ही सच्चा और सत्य धर्म है तथा उसमें जाति पाति को स्थान नहीं था ये उन्होंने लोगों तक पहुँचाया गो बैक टू द वेदाज वॉज द स्लोगन ऑफ आर्य समाज द ब्रांचेस ऑफ आर्य समाज वेर ओपन इंडिया मेनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशनिश थ्रू द मीडियम आर्य समाज के जरिए उन्होंने अपना एक घोष वाक्य बनाया आर्य समाज का घोष वाक्य था वेदों की ओर चलिए ये उन उनका घोष वाक्य था आर्य समाज की संपूर्ण भारत में कई सारी शाखाए खुल गई आर्य समाज के माध्यम से स्थान स्थान पर शिक्षा संस्थान खुल गए मतलब जहां जहां पर जाए वहां पर आर्य समाज की शिक्षा संस्थान रहेगी मतलब आपको तो पता है जहां जहां पर इंस्टीट्यूशंस रहते हैं वहां पर लोगों को पढ़ने के लिए मौका मिले यही आर्य समाज का एक इम्पॉर्टेंट ऐसा हेतु था नेक्स्ट वन है रामकृष्ण मिशन राम कृष्ण मिशन वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय स्वामी विवेकानंद अ क्लोज डिसपल ऑफ रामकृष्ण परमहंस इन एटीन नाइन्टी सेवन राम कृष्ण परमहंस के जो शिष्य स्वामी विवेकानंद इन्होंने अठारह सौ सत्या अठारह सौ सत्तानवे मीन्स एटीन नाइन्टी सेवन में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की Ramakrishna Mission work for service to the society the mission work for providing help to the famine stricken people patients medical help to the poor female education and spiritual growth swami vivekananda was an excellent orator he attended the parliament of religions at शिकागो इन 1893 नाइन्टी एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिंदुइज्म अभी देखो जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद इन्होंने की उनके जरिए रामकृष्ण मिशन ने लोक सेवा के अनेक कार्य किए इस मिशन ने अकालग्रस्त मतलब फैमायन के जो लोग थे उन्हें सहायता की इसके अलावा जो पेशेंट मतलब जो रोगी रहते हैं उन्हें हेल्प की पुअर पीपल को हेल्प की मतलब दीन लोगों को औषध की सहायता की इवन उनको ये औषध को पहुंचाना, स्त्री शिक्षा इवन कई सारे अच्छे वर्क करना ये उन्होंने स्टार्ट किया अभी अगर देखा तो स्वामी विवेकानंद एक ग्रेट ओरेटर, ओरेटर मतलब जिसे हम वक्ता कहते हैं या जो स्पीच देता है वैसे ही ग्रेट ऐसे ओरेटर थे उन्होंने 1893 में अमेरिका में शिकागो में एक विश्व धर्म परिषद मतलब कॉन्फ्रेंस कहते हैं वैसे एक ऑर्गेनाइज की गई थी और हमारे इंडिया से कौन जाएगा इसके लिए यहाँ पे स्वामी विवेकानंद इनकी यहाँ पे सिलेक्शन हो गया और स्वामी विवेकानंद उस आयोजित किए हुए कॉन्फ्रेंस में चले गए और हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया जब उन्होंने ये हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया मतलब एज अ रिप्रेजेंटेटिव तब उन्होंने क्या किया देखो जब वो स्पीच देते हुए वहाँ पे गए या स्पीच देने के लिए वहाँ पे गए तो सबसे पहले देखो अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टील द गोल इज अचीव वॉज द मैसेज गिवन बाई ही टू द इंडियन यूथ उन्होंने यहाँ पे बताया कि भारत के जो युवाओं है या जो युवा पीढ़ी है उनको उन्होंने संदेश दिया मैसेज दिया कि उठो जाग जाओ और अपना जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के लिए कोशिश करो और प्राप्त करते हुए उसे या वो करते हुए हमें रुकना नहीं चाहिए रुको मत जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है तब तक आप रुको मत ये उन्होंने वहां पे मैसेज दिया उसके बाद नेक्स्ट वन जो पॉइंट है सोशल रिफॉर्म अमोंग सिख सभा वॉज एस्टेब्लिश एट अमृतसर टू अचीव रिफॉर्म इन सिख रिलीजियन दिस इंस्टीट्यूट वर्क फॉर स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अमोंग द सिख कम्युनिटी एंड ब्रिंग इन मॉडर्नाइजेशन अमोंग देम लेटर द अकाली मूमेंट कंटिन्यू देअर ट्रेडिशन ऑफ रिफॉर्मेशन जैसे कि कई सारे इम्पोर्टेंट वर्क किए गए तो उसी तरह से सिख समाज में भी कई सारी डेवलपमेंट आई सिख धर्मों में सुधार लाने के लिए अमृतसर में एक सिख सभा की स्थापना की गई और इस संस्था ने सिख समाज में शिक्षा प्रसार करना इवन मॉडर्नाइजेशन करना आधुनिकीकरण करना ऐसे कई सारे वर्क यहाँ पे किए और बाद में अकाली आंदोलन मतलब मूवमेंट जो थी इसमें सिख समाज में चलने वाली सुधारवादी परंपरा को आगे बढ़ाया और इस तरह से उनमें भी कई सारी सुधारना की गई आगे का पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे